नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने स्क्रीन से ही देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो है विज्ञप्ति आई है, भिंड जिले के अंदर बहुत अच्छी विज्ञप्ति आई है। उसके अंदर क्या योग्यताएं चाहिए, क्या उसमें मांगा गया है, क्या हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग जानेंगे और उसकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो हम लोग देख पाएंगे कि किस प्रकार से विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई है। भिंड जिले के अंदर बहुत अच्छी विज्ञप्ति है ये। कार्यालय कलेक्टर जिला भिंड मध्य प्रदेश, यहाँ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक F2/100 दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा लोक सेवा प्रबंधन में आपका आय जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये जो आते हैं के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु जिला भिंड के लिए कुल 15 पद सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा आधार पर पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त तो पदों में से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों तहसील कार्यालयों में रिक्त 6 पदों की पूर्ति करने हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। संविदा पदों का विवरण किस प्रकार से है, कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें 22,770, जो मैंने पिछली आपको नीमच में विज्ञप्ति बताई थी वही है, लेकिन क्या है कि ये इसमें पदों की संख्या बहुत अच्छी है, 6 पद कुल निकले हुए हैं। और आप देख पाएंगे दोस्तों कि आरक्षण तालिका कैसे है, पदों की संख्या और आरक्षण तालिका। अनारक्षित के पद हैं, पदों की संख्या 1 है, ओपन का 1 पद है। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 2 पद आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति का 1 पद है और कुल पदों की संख्या वो 1 है। 1 महिला के लिए ही है, एससी कैटेगरी में महिला के लिए है ये, एससी फीमेल। तो इस प्रकार से कुल पदों की संख्या जो है वो 6 है। और आवेदन किस प्रकार से करना है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेंगी वो 25 दिसंबर 2021 रहेंगी और संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए रहेंगी। नियुक्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपरोक्त होने पर नियुक्ति 1 1 वर्ष की नियुक्ति में वृद्धि करी जाएंगी। शैक्षणिक अर्हताएं किस प्रकार से रहेंगी, शैक्षणिक अर्हताएं ये रहेंगी कि कार्यालय पत्र कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की क्षमता, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी, दस्तावेजों की स्कैनिंग करना, एमएस ऑफिस डाटा बेस सॉफ्टवेयर के कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव यदि हो तो। और इसमें ये नहीं लिखा है कि किसी शासकीय का चाहिएगा या प्राइवेट का भी मान्य होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारा जो कार्य अगर आपने प्राइवेट में भी आपको आता है तो आप इसमें योग्य रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता रहेंगी आपकी 12वीं पास, न्यूनतम तकनीकी योग्यता रहेंगी, सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो। नियुक्त आयु आयु सीमा क्या रहेंगी दोस्तों, आयु सीमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 18 से 35 वर्ष और शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट, यानी कि ये लोग 5 वर्ष यानी कि 40 वर्ष तक सॉरी 40 वर्ष तक ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST OBC को भी नियमानुसार छूट रहेंगी, इसमें ये लिखा हुआ नहीं है। आयु सीमा की गणना कब की जाएगी, 1 जनवरी 2021 को। मूल निवासी प्रमाण पत्र उपरोक्त पद हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है, मतलब MP के पूरे जितने भी निवासी हैं उनको आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन के चयन की स्थिति में नियुक्ति के पूर्व मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगी, नियुक्ति से पूर्व करना होगी, अन्यथा चयन नहीं किया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र भी ऐसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन के चयन की स्थिति में नियुक्ति के पूर्व जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो मूल प्रति भी उसकी आपकी जो देखी जाएंगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखी जाएंगी। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेंगी, आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हताएं अनुसार कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT के प्राप्त स्कोर कार्ड के माध्यम से मेरिट सूची बनाई जाएगी।
आवेदक को सूची को सीपीसीटी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी व अंग्रेजी स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होने की आवश्यक होगा हिंदी, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तथा हिंदी व अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में उन्हें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक हो तो हिंदी टाइपिंग में के आधार पर मेरिट डिसाइड होगी। हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। मेरिट में दो आवेदकों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हिंदी व अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति की शर्तें क्या रहेंगी? इस प्रकार से नियुक्ति की शर्तें रहेंगी, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा, जो 22,723 ऐसा कुछ है, 22,770 ऐसा कुछ। तो नियुक्ति के पश्चात जिले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी CMHO का चिकित्सा प्रमाण पत्र फिटनेस 7 दिन में आपको लाना रहेगा। नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि में के 1 माह के नोटिस में समाप्त की जा सकेगी, इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे। नियुक्त संविदा कर्मचारी 1 माह का पूर्व नोटिस देकर या 1 माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा की सेवाएं को त्याग पत्र दे सकते हैं। नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से संबंधित कोई भी, तो मैं आपको ये PDF पूरा अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। जय हिंद।